Hi guys, very good afternoon. I'm so sorry for this delay. I was not expecting this to happen, but good afternoon everybody. I'm so sorry. Main yahan par I entered the class, but I was not able to enter the quiz. Matlab main quiz nahi upload kar pa raha tha. To internet issue tha. But now I think it's sorted. Ab to matlab you guys can hear me and watch me a little quickly, no? ठीक है, परफेक्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पर्टिकुलरली जो स्टैटिक जी के बिट ऑफ इट। एंड मेरे को पता है कि आप लोगों ने ना बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, बट अब क्या होता है कि वो इतने साल पहले देखे थे कि याद नहीं आएंगे। तो ये मतलब एक तरह से थोड़ा नॉस्टैल्जिक क्विज होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू कि यार ये तो पता था बट ये याद कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मतलब काफी अलग टाइप का होगा। मतलब वो बनाते वक्त भी ऐसा लग रहा था मुझे खुद को कई सारी चीजों में, है ना। तो इसीलिए दिस क्विज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर दैट यू गाइस राइट दोज क्वेश्चंस डाउन। राइट, क्वेश्चन रीड करने का टाइम अलग से दिया करो और पोल का अलग से। कितना, एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको और फिर पोल के लिए कितना टाइम चाहिए? तो 10 सेकंड तो मिलते हैं, 30 सेकंड का पोल होता है, 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ो, 10-12 सेकंड में आंसर कर दो, 30 सेकंड का पोल होता है, फिर भी आपको 8 सेकंड लिखने के लिए भी मिल जाएंगे, है ना। लेट हो जाते तो जल्दी लिखना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। लीडर बोर्ड की टेंशन मत लो, अगर आप एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे तो लीडर बोर्ड पर अपने आप आओगे। कभी लीडर बोर्ड पर उन बच्चों को आते हुए देखा है जो हर आंसर 1 सेकंड में करते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ वही आते हैं लीडर बोर्ड पे? तो वो स्टूडेंट्स आते हैं ना जिनका ओवरऑल स्कोर ज्यादा होता है। अगर मैं आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आता है कि हाँ चलो 5 क्वेश्चन में तो हम लोग क्लिक करेंगे तो वही हमारा टाइम फास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर 50 या 60 क्वेश्चन में तो एक्यूरेसी मैटर करेगी सिर्फ, उसमें और कुछ मैटर नहीं करेगा। तो बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचो, क्लैट की तरह सोचो, 11th-12th स्टैंडर्ड की तरह मत सोचो। ठीक है, चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट विद दिस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। तो जनरल अवेयरनेस क्विज करेंगे, क्लैट, एमएससीटी, एलएट, स्लैट, सारे जो भी आपको एग्जाम देने आगे जाके उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली ब्रीफ यू अगेन, लास्ट डेट है, ठीक है, 28th January इज द लास्ट डेट टू गेट 20% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मालपानी मेरा कोड है, यूज इट टू गेट 20% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। ये वाला बैच हमने कल से स्टार्ट किया था, यू गाइस कैन स्टिल जॉइन दिस, ठीक है, अभी भी इसको जॉइन कर सकते हो। एंड दिस फॉर क्लैट डेली 24 Right, 27 से ये बैच स्टार्ट हुआ था, यू गैस कैन स्टिल ज्वाइन दिस, कोड रिमेन्स द सेम, 20% ऑफ, यू कैन टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस एंड यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट अवे। ठीक है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यहाँ पे। टेस्ट लीग एक और यहाँ पर बैच जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था क्लैट 25 के लिए, तो उसके लिए आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो एन अकेडमी हैज यू वुड नो एज टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक विच इज द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी वेर यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस, you get access to the physical material जो आपके घर पे भेज दिया जाएगा, and you get also access to certain mentor who would keep guiding you regarding the strategy etc. and plus classes में you will get all the classes, जो भी सारी classes होती है academy पे सबका access आपको मिल जाएगा। तो you can take the subscription whatever you feel are, you could say important and relevant for you, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट, मैं स्टार्टिंग का मैंने ना थीम्स बना रखी हैं आज, तो आई मेड लाइक सर्टेन थीम्स कि कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, एमएससीटी स्लैट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो Who was the first scholar to use the term the Indus Valley Civilization or the Indus Civilization? पहली बार किसने ये टर्म यूज किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आई थिंक सब लोग जानते हैं, जो सबसे इंडिया का पुराना रिकॉग्नाइज्ड सिविलाइजेशन है, है ना। हिस्ट्री को हम लोग जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो दिस इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। सो इट्स जॉन मार्शल डिड दैट, ठीक है। जॉन मार्शल वॉज द पर्सन who used the term Indus Valley Civilization for the very first time. Isne wo use kiya tha.
Which of the following is the largest Indian site of the Harappan civilization? Largest Indian site, मतलब present day जो हमारी इंडिया का जो साइट है उसमें लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सा है ऑफ दी हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन वो सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था, अगेन वी टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, तो ये राखी गढ़ी इज दी साइट, ये अभी हरियाणा में प्रेजेंट डे, इट्स इन प्रेजेंट डे हरियाणा. हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है ये हरियाणा के. ठीक है, तो राखी गढ़ी इज दी साइट वेर विच इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, ये सबसे बड़ा साइट है अभी तक इंडिया में हरप्पन सिविलाइजेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्लेयर्स, सॉरी सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स, कौन से? तो आपको पता है ना हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज कॉल्ड द बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल सेक्रीफिशियल प्रेयर्स? तो उसमें से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद इज दी बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स प्रेयर्स. ये प्लीज आप लिख लो, मतलब धीरे धीरे लिख लो सारे क्वेश्चंस. एंड यू डोंट हैव टू लाइक राइट पूरे पूरे सेंटेंसेस, एंड यू डोंट हैव टू लाइक नोट डाउन ऑल द ऑप्शंस. जैसे अगर मैं इसका इसका नोट बनाना चाहूंगा ना, आई विल जस्ट राइट दिस बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्लेयर्स एज ए क्वेश्चन करके, और आंसर में बस यजुर्वेद इतना लिखना है. इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकंड्स फॉर यू टू मेक नोट फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट? विल हैव टू बी लिटिल क्विक. अब तो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर चीज में वी हैव टू लर्न टू बी क्विक. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दैट कम टूवर्ड द एंड ऑफ वेदास कॉल्ड वेदांत? वेदांता बोलते हैं उसको जो वेदास के बाद आते हैं, एंड ऑफ वेदास. हमारी एक मैम थी स्कूल में, वो हमें संस्कृत पढ़ाया करती थी, तो संस्कृत के टीचर थोड़े अलग होते हैं. तो वो हमें बता रही थी कि वेदों में कुछ, मतलब वेदास आर लाइक द सुप्रीम टेक्स्ट जो मतलब पूरे दुनिया को कई कई यू कुड से लेवल पर गवर्न करते हुए आए हैं. तो शी यूज्ड टू टेल अस कि वेदास में कुछ मैथ्स के फॉर्मूला दे रखा है, मतलब देयर आर सर्टेन मैथ्स फॉर्मूलाज आल्सो गिवन इन देयर कहीं ना कहीं, एंड उसमें से अभी तक ना पूरे दुनिया में एक सॉल्व हुआ है, मतलब स्टिल मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर अनसॉल्व, उसमें से एक सॉल्व हुआ है, और एक सॉल्व होने पर दुनिया की पूरी मैथ्स आ गई है. मतलब दुनिया में जितनी भी मैथ्स है ना, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन फॉर्मूला दैट वाज सॉल्व, और उसके डेरिवेशंस है सारे. तो हम लोग उस टाइम बड़ा डरते थे कि यार अभी तो हमसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, वो एक फॉर्मूला सॉल्व हुआ, किसी ने एक और कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी. तो यहाँ पर उपनिषद्स, ठीक है, उपनिषद्स आर दोज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दैट कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदास, दे आर आल्सो कॉल्ड वेदांता. बट वो मतलब आई डोंट थिंक उसमें इतना सच्चाई होगी, बट 20-25% तो होगी. Which of the following deities were considered as an intermediary between the god and the people during the Rigvedic period? God और लोगों में intermediary, मतलब basically आपका भगवान की तरफ क्या आपको you could say what connects you with God, basically intermediary क्या था? तो इट्स अग्नि, अग्नि इज आग, अगेन एवरीबडी वुड नो दिस. ओके, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम विनीता. विनीता आई टेक योर कॉल एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है? आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से क्लास के एंड में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो अग्नि इज दी यू कुड से इंटरमीडिएट. बहुत टफ है, सी दिस इज सपोज टू बी टफ ना. मैं अगर आपको सारे आते हुए दे दूंगा तो फिर क्या सीखोगे क्लास में? फिर तो हम 1 घंटा वेस्ट कर देंगे एक दूसरे का. तो इट इज सपोज टू बी टफ, इट इज सपोज टू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड नॉट नो आइडियली, है ना? तो वो होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए हमें. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियाणका डायनेस्टी? हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वन ऑफ द वेरी फेमस स्टार्टिंग की डायनेस्टी थी ये हरियाणका डायनेस्टी. तो द क्वेश्चंस कीप गेटिंग मोर रिलेटेबल एज द क्विज प्रोग्रेसेस. अभी तो क्या है, एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, धीरे धीरे मिडिवल आएगा, वो हमें थोड़ा ज्यादा आता है, मॉडर्न हमें और ज्यादा आता है ना, फिर पॉलिटी हमें शायद और ज्यादा आता है. तो धीरे धीरे करके थिंग्स विल गेट बेटर, सो डोंट वरी. बिंबिसारा, बिंबिसारा वाज द रूलर हु वाज द फाउंडर ऑफ द हरियाणका डायनेस्टी. हरियाणका डायनेस्टी फाउंडर वाज बिंबिसारा.
तो एक बहुत फेमस बैटल वॉज फॉल्ट बिटवीन द एलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस। बहुत फेमस बैटल है ये। क्या नाम था उस बैटल का? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बैटल दैट वाज फॉर्ड, मतलब ये फर्स्ट नोन बैटल बोल सकते हो इसको इंडिया का। ठीक है, सो इट वॉज द बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता इज बेसिकली अ रिवर दैट, इसका अगर हिंदी मतलब निकालें तो इट मीन्स कि एक रिवर जो पूरे साल बहती है। तो वैसी रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, जैसे गंगा, ये सब रिवर्स है ना इंडिया में, दीज आर पेरेनियल रिवर्स। इनका बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा, नर्मदा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी ऐसी रिवर्स जो बारिश आए ना आए ये बहती रहेंगी। तो इट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ वितस्ता। ठीक है, अच्छा, इसका इस पर्टिकुलर बैटल का एक और नाम है, किसी को पता है? वितस्ता इज वन ऑफ द नेम, देयर इज वन मोर जो जो शायद ज्यादा कॉमनली नोन नेम है। नहीं, कलिंगा नहीं, कलिंगा तो अलग है। करेक्ट करेक्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ हेडेस्पस। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ हेडेस्पस। ठीक है, तो ये उस टाइम पर झेलम रिवर के नाम थे। झेलम रिवर पता है ना, वन ऑफ द रिवर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो रिवर था एक, तो झेलम रिवर के नाम थे। तो विटस्ता का एक्चुअल मतलब और इवन हाइडास्पस का एक्चुअल मतलब इज अ पेरेनियली फ्लोइंग रिवर। ठीक है, जो हमेशा जो रिवर जो पानी के भरोसे नहीं चलती, जो अपने फ्लो के हिसाब से चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध लाइफ? इनकरेक्टली मैच्ड, सो दिस इज उनकी डेथ कहां पर हुई थी? वेयर डिड गौतम बुद्ध डाई? ही डाइड इन दिस प्लेस कॉल्ड कुशीनगर। ठीक है, ही डाइड इन कुशीनगर। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ही अटेन एनलाइटनमेंट इन बोध गया, फर्स्ट सेवन में सारनाथ में दिया था, एंड देन ही पास्ड अवे इन कुशीनगर। इफ वी रिवाइज द 12th ह्यूमैनिटीज बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, विल इट कवर द सिलेबस ऑफ स्टैटिक? इट विल कवर इट टू सम एक्सटेंट, मतलब यू कांट से कि वो 100% कवर करेगा, बट यार टू सम एक्सटेंट इट विल। बट देर इज नो पॉइंट रीडिंग इट एकदम ऑल टुगेदर नए सिरे से। मतलब अगर आप कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट हो तो इट डजेंट मेक सेंस, बट आप ह्यूमैनिटीज हो तो आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है तो आप फटाफट पढ़ पाओगे, देन यू कैन मे बी गो फॉर इट। पेट्रन ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के पेट्रन कौन थे? हाँ, सो इट्स काल अशोक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के पेट्रन थे काल अशोक। फर्स्ट के कौन थे? फर्स्ट के ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली। हु वाज द पेट्रन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? बताओ। सो इट वाज अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु वाज द पेटर्न ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, हाउ वुड वी नो दिस? इसको इसके बाद याद रहेगा। हाँ, तो दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर देम करेक्टली नाउ, बट इफ आई आस्क दीज क्वेश्चन अगेन, और फिर अगर आप गलती कर रहे हो तो देन तो इट्स योर फॉल्ट। फिर इफ यू नॉट रिवाइजिंग थिंग्स, इफ यू नॉट रिमेम्बरिंग देम, मेकिंग एफर्ट टू रिमेम्बर देम, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट यहाँ पर यू डोंट हैव टू लाइक मग अप एवरीथिंग, और कि मतलब क्लास में पूरे मतलब लीडर बोर्ड पे आना है। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ ना, हमको बचपन से, मैं अभी बहुत सिंपल सी बात है, हमें बचपन से ट्रेन इस तरह से किया गया है घर से, स्कूल से, कि अनलेस इट शोज ऑन योर स्कोर, अनलेस वो आपके स्कोर पर दिख रहा है, तब तक यू आर इधर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। मतलब 90% इज सक्सेसफुल, 70% इज अनसक्सेसफुल। ये हमारी घर की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हो तुम अच्छे, तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हो तुम खराब हो।
अब ये अंडरस्टैंडिंग हम क्या ऐसी वाली क्लास में लेकर आते हैं जहां पर आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली इन ऑल द क्विजेस दैट आई डू यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू देम प्रॉपरली मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि अगर कुछ क्लास में पढ़ाया गया तो वो तो मत गलत करो और जब वो वाला क्विज में कभी वापस ले लूं तो फिर क्वेश्चन मत गलत करो राइट तो अगर आप इंप्रूव करने के लिए तैयार हो ना अगर आप इंप्रूव करने के लिए तैयार हो इन दिस क्लास देन इट्स जस्ट दैट इज ऑल दैट इज नीडेड सो यू डोंट हैव टू नो टू मच यू डोंट हैव टू यू कुड से बिफोर हैंड बी वेरी स्मार्ट अभी थोड़े दिनों में अभी अभी हमने कल ना कोमल का इंटरव्यू लिया था कोमल गढ़वाल वाज वन ऑफ द टॉपर्स फॉर क्लैट इन 23 शी वाज ऑल इन 96 उसकी आप जस्ट लिसन टू हर लाइक जेन्युइनली वॉच दैट इंटरव्यू आई हैव जेन्युइनली नेवर टेकन समबडीज इंटरव्यू जिनका मतलब वेयर शी कम्स फ्रॉम द काइंड ऑफ यू कुड से एनवायरमेंट दैट शी गॉट व्हाइल शी वाज स्टडीइंग द काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी हैड इट जस्ट ब्लो योर माइंड वो इतना मतलब हम लोग तो इतना ज्यादा ऑलरेडी चीजों को जानते हैं And the way she started things and the way she did it so beautifully, like she's a proper inspiration. So, हमेशा ना ऐसे हम लोग क्या करते हैं generally we think कि यार AIR 1 best होएगा है ना उसका interview देखते हैं AIR 5 best होगा उसका interview देखते हैं watch that 96 वाला interview ठीक है felicitation was different I took a proper like अलग से interview जो थोड़े time में release होगा I'll share the link with you guys this was मतलब it was inspiring for me मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि like मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं तो उसका एजुकेटर था बट इट वॉज इंस्पायरिंग फॉर मी द थिंग्स शी वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट अभी तो इट हैज नॉट बीन रिलीज आई थिंक उसको थोड़ा सा ठीक करके रिलीज करेंगे इट मे टेक अबाउट 5 to 7 days बट जब भी आएगा आई शेयर विद यू गाइस विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फॉलोड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगता है ना आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी लगता होगा क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले लगता होगा There are so many students who are better than us. Like when it comes to any subject, not just subject, like generally also they're better than us, knowledge-wise, maybe language-wise. So just watch that interview, you would understand कि आप कैसे बिना किसी की चिंता करे हुए अपनी preparation पर ध्यान करके पढ़ सकते हो. It was genuinely very good. Hinayana. ठीक है. Which sect of Buddhism followed the original teachings of Buddha and did not believe in idol worship? It was Hinayana. तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लिए अलग अलग क्लैट टॉपर्स के हर साल आई बीन डूइंग दिस फॉर 3-4 years बट आई जेन्युइनली दिस वाज माय बेस्ट इंटरव्यू एवर मतलब आई कैन जेन्युइनली से दिस कि इतना मैं यू शुड वॉच इट इट वाज इट यू विल लव इट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो आर करेक्ट तो यहां पर ओनली ऑप्शन नंबर आई मीन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन ठीक है आई थिंक नंबर एक सेकेंड 540 BC एक सेकेंड मैं को चेक करना था एक बार नहीं नहीं ठीक है दिस इज फाइन ओनली एंड ओनली बी इज करेक्ट ओनली 3 इज करेक्ट ठीक है ये तो इनकरेक्ट है ही 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे पास ये तो इनकरेक्ट है महावीर वाज़ द फर्स्ट तीर्थंकर इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि ऋषभ और आदिनाथ जिसको हम बोलते हैं ही वाज़ द फर्स्ट वन करेक्ट ठीक है और ये सही है दिस इज करेक्ट बी होगा ओनली 3 इज करेक्ट अगर आप यहां पर गए होगे तो आपको पता होगा सो जो अजंता पेंटिंग्स है दे डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स अजंता पेंटिंग्स के जो सीन्स हैं वो कौन से टाइप के लिटरेचर्स को पोर्ट्रे करते हैं हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू द अजंता एलोरा केव्स गए हो कोई आप में से नो सो ये अलग टाइप का एक कुछ पेंटिंग फॉर्म है विच कॉल्ड जटाकास ठीक है Want to go? भाई देखो बहुत बहुत आसान तरीका जाने का मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो अभी हम चल रहे हैं जनवरी 2023 में ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं बट जनवरी में चल रहे हैं
आपका एग्जाम है दिसंबर 2023 में, आपको दिसंबर 2023 में अगर आपने इस पूरे साल मेहनत करी तो पता चल जाएगा कि आपको आप कौन से एनएलयू में जा रहे हो। आपका एनएलयू शुरू होगा जुलाई 2024 में, आपके पास बीच में कम से कम 6 महीने हैं, तो वहां पर आप चाहे अजंता जाओ, एलोरा जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है? तो ये सबसे आसान तरीका है जाने का। नोबडी इज गोइंग टू से नो, ना पेरेंट्स आपको रोकेंगे, ना आपको कोई गिल्ट होगा कि मेरे को कुछ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? एकदम कंप्लीटली फ्री। सो ट्राई दिस टेक्निक आउट। फॉरेन जा सकते हैं, मतलब इट्स अबाउट द मनी, बट इंडिया में घूमना इतना महंगा नहीं है ना, तो इंडिया में तो आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है? Who among the following built the famous Khajuraho temple? Khajuraho temple कौन से states में, कौन से state में इंडिया में? Which state has Khajuraho temple? तो खजुराहो ना बहुत ही famous, you could say temples और carvings वगैरह हैं, ठीक है? Yes, they're in मध्य प्रदेश। Google पे चेक करके आए होगे तुमसे, ठीक है? खजुराहो टेम्पल इज मध्य प्रदेश। तो चंडेला किंग्स ने बनाए थे, चंडेला किंग्स क्रिएटेड दोस टेंपल्स वन आफ्टर द अदर। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम क्या था? व्हाट वाज द लास्ट रूलर? इसके हम पहले 15 क्वेश्चन ही करेंगे और उसके बाद में विल मूव टू सम अदर टॉपिक एंड देन कम बैक टू दिस। हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर? उनके लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ। हु वाज़ द फर्स्ट रूलर? फर्स्ट रूलर कौन थे मॉडर्न डायनेस्टी के, बताओ? व्हाट इज चंद्रगुप्त, व्हाट इज बिंदुसारा, और वाज इट करेक्ट? द फर्स्ट रूलर वाज बिंदुसारा, ठीक है? फर्स्ट रूलर वाज बिंदुसारा। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, विच पर्टिकुलर डायनेस्टी इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी डायनेस्टी ने इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? हाँ, गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है, चेक करो। तो गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर इशूड बाय द नंदा डायनेस्टी, ठीक है? 0%, ये हमें अनवांटेड रिकॉर्ड बना दिया एक। ठीक है, सी क्यों नहीं है? मतलब आप बताओ कि आप बेसिकली पता है क्या पूछ रहे हो, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो आप बोल रहे हो कि वेस्ट में क्यों नहीं सेट होता? अब जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही है ना, उसको मैं क्या करूं? चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी पे करते हैं, ठीक है? पॉलिटी पे करते हैं। चलो लेट मी लुक फॉर पॉलिटी, ठीक है? इंडियन पॉलिटी पे करते हैं। तो जो हमारी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी, दे एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द इंडियन सिटीज? सुप्रीम कोर्ट कौन से इंडियन सिटी में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इनिशियली इट वाज इन कैलकटा, ठीक है? इनिशियली वो कैलकटा में था, फिर बाद में जब वो फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ था तो उसके बाद में वो इंडिया में आया है, मतलब उसके भी बाद में, राइट? तो इट केम इन इट स्टार्ट लाइक देयर वाज इन केरला, सॉरी नॉट केरला, कैलकटा कैपिटल वहीं तक, करेक्ट? कैपिटल हमारा कैलकटा ही था पहले 1911 तक।
after the enactment of which act the governor general's government was known as the government of india for the first time. गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी या वाइसराय की जो गवर्नमेंट थी जो भी उसको पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया उस एक्ट में. आई मीन सी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू विल हैव टू एलिमिनेट एन आंसर. आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू विल नॉट हैव द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब आपको ये समझना पड़ेगा ऐसी चीजों में कि आपको बेसिक तो पता है, यू नो कि इंडिया का छोटे मोटे इवेंट्स क्या हुए हैं, कि 1700s में वो कौन सी बैटल्स हुई है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, 1800 में क्या चेंज आए हैं. तो 1857 में आपको पता है कि वेयर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसीलिए हुआ था ताकि इंडियंस को भी कुछ चॉइसेस दी जाए इन हाउ वी गवर्न अस. ब्रिटिशर्स शुड नॉट कीप गवर्निंग अस एट एवरी पॉइंट इन टाइम. तो टू प्लीज इंडियंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वुड नेचुरली कम आफ्टर 1857. एंड देयर इज वन ओनली वन ऑप्शन दैट यू कैन चूज वंस यू क्रैक दिस. अगर आप ये पॉइंट क्रैक कर सकते हो तो एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, सारे तीनों एक्ट उससे पहले की हैं. ऐसा कोई भी चांस ही नहीं है. लेकिन हम लोगों को वो स्किल एक डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंडर धीरे धीरे. अब तो स्टार्टिंग है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज टू वॉट आफ्टर द एडिशनल सीट है एक्चुअली आफ्टर द मोरले मिंटो रिफॉर्म. मैंने आपको ये तो दो दिन पहले ही बताया यार, हमने वो रिपब्लिक डे वाला क्लास किया था उसमें वी डिस्कस दैट, है ना. तो इनिशियली देयर यूज टू बी 16 सीट्स थी, फिर ये लोग वो वाले रिफॉर्म्स ले आए थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स ले आए थे, तो उन्होंने फिर 60 कर दी थी. दे मेड इट 60 आफ्टर दैट, या 60 कर दी थी उन्होंने 16 से. द बायकैमरल लेजिस्लेचर इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. बायकैमरल इज बेसिकली डिविजन ऑफ गवर्नमेंट इन टू हाउसेस इज बायकैमरल. तो ये एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का. सो इट इज अ वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है. फेडरल क्या होता है, वेयर द पावर इज डिवाइडेड, है ना. तो बायकैमरल में यही होता है, बायकैमरल लेजिस्लेचर में. Which of the following acts introduced the principle of constitutional autocracy? Constitutional autocracy का क्या मतलब होता है? अभी जो present system है इंडिया में, that is called the constitution, constitutional democracy, है ना. मतलब on paper तो वही है. तो यहाँ पे constitutional autocracy का feature क्या लेकर आए थे वो? कि you will have some kind of a constitution, but only we will govern you, है ना. We will not, you could say, जैसे अभी क्या होता है, for example, मैं आपको simply बताऊँ democracy में. आज अलग अलग पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल से मेजर पार्टीज है बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, ये मेजर पार्टीज हैं. तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना, उसमें बीजेपी थोड़ी बोल सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉलो होंगे लेकिन सरकार सिर्फ हम ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो नहीं कर सकते ना. वो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. वी विल वोट हूएवर स्टेज एट द सेंटर. वहां पर ऐसा था 1935 में कि यू विल बी गिवन सर्टेन राइट्स, यू विल बी गिवन ब्ला एंड ब्ला, बट ब्रिटिशर्स विल बी इन पावर. ठीक है, पावर हमारे पास ही रहेगी. तो इट वॉज द मेजर, जो सबसे बड़ा एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट वर सेंट टू इंडिया फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान. थ्री पीपल वर सेंट, इट्स वेरी फेमस फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान. वन ऑफ देम वॉज not in that particular team. You have to figure that one out. So three people who were sent were Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. Clement Attlee, wo wahan ke prime minister the us time pe,
जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो उन्होंने 1947 की फरवरी के आसपास ही डिक्लेयर किया था कि हम जून 1948 तक इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो क्लेमेंट एटली वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एट दैट टाइम, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो। हु वाज़ द चेयरमैन ऑफ द एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? लूसेंट्स में से आप साइंस छोड़ के कवर कर सकते हो सब कुछ, साइंस वाले पार्ट की जरूरत नहीं होती उसमें, वो बेसिक फैक्ट्स कवर कर लो, यू कैन कवर दी बेसिक फैक्ट्स देयर, बट बाकी टॉपिक्स उसमें काफी, अरे इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पढ़ने का शौक है ना तो काफी इंटरेस्टिंग है लूसेंट पढ़ना, काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। तो इट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो चेयरमैन ऑफ एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो ये कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है, जो थर्ड लिस्ट का आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहां से आया है? वेयर हैव वी इंपोर्टेड दिस आइडिया फ्रॉम? ठीक है, सो इट इज ऑस्ट्रेलिया। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हु डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्शियंस? Conscience of the Indian Constitution. तो ये बहुत फेमस एक राइटर है, बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर है इनफैक्ट ये, ठीक है? इन्होंने इंडिया पर भी काफी सारी चीजें लिखी हैं, इनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टन, ठीक है? ग्रैनविल ऑस्टन ने बोला था, बी आर अम्बेडकर आपने चूज किया तो वो अलग है, बी आर अम्बेडकर ने हमारे आर्टिकल 32 को, मतलब रिट्स को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वाला पॉइंट अलग है। तो देखो, हमें बेसिकली 32 में क्या दे रखा है कि आप, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो, देखो फंडामेंटल राइट जो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से जाते 35 तक, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, राइट? तो पहले हमें दे रखे हैं 5 फंडामेंटल राइट्स, और फिर उसके 6 में दे रखा है कि उस फंडामेंटल राइट्स को आप, यू कुड से अगर कोई भी वायलेट होते हैं इसमें से तो आप क्या करोगे? तो अगर मान लो कि भाई आर्टिकल 32 ही नहीं है मेरे पास, मेरे को यही नहीं पता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो मेरे को करना क्या है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फंडामेंटल राइट? तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपका कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दी हाई कोर्ट वाया रिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सारे सही है एक्सेप्ट वन विच इज 3। कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द सुप्रीम इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ सेटअप। अब जैसे इंडिया का फेडरल फॉर्म है ना, आज अगर कोई गलत लॉ बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई मेडिकल से रिलेटेड लॉ बनी जहां पर लोग, जैसे फार्म लॉज की बात कर लेते हैं, ठीक है? फार्म लॉज को कई लोग कह रहे थे कि भाई ये तो गलत है, तो वो किस बेसिस पर कह रहे थे फार्म लॉज गलत है? इस बेसिस पर ना कि भाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बेसिक लॉ क्या है, व्हाट इज द सुप्रीम लॉ, जिसके जो हमारा यार्ड स्टिक है हर चीज को मेजर करने का, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द सुप्रीम, यू कुड से अथॉरिटी इन एनी काइंड ऑफ फेडरल फॉर्म। Which article states that there should be a council of ministers with prime minister as the head to aid and advise them? कौन सा article ये बोलता है कि भाई एक council of ministers होगी और उनका head prime minister रहेगा?
सो इट इज आर्टिकल 74. आर्टिकल 74 बोलते हैं कि देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो इंडिया में ना कुछ स्टेट्स भी है जहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है. बाय कैमरल होने का मतलब होता है कि देर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि इलेक्ट की जाती है, जो लोग इलेक्ट करते हैं. उनके अलावा देर इज ऑल्सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर लोग नॉमिनेट होके आते हैं. ठीक है, लोगों को नॉमिनेट किया जाता है. जैसे हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है ना सेंटर पे, कि लोकसभा में लोग इलेक्ट होके आते हैं, राज्यसभा में लोग नॉमिनेट होके आते हैं. वैसे आप नॉमिनेट तो क्या मतलब, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होके आता है एक तरह से. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आप नॉर्मल वोटिंग करते हो तो आपके स्टेट में लोग यहां पर जाते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉमिनेटेड पीपल. राइट, तो इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं, मतलब 6-7 स्टेट्स इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है. वेस्ट बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में है. तो योगी आदित्यनाथ हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश राइट नाउ. तो योगी आदित्यनाथ इनिशियली जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो वो इलेक्ट नहीं हुए थे. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, वो वहां से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था. फिर सेकेंड टाइम में वो इलेक्ट हो गए. Who is authorized to increase the number of judges in the Supreme Court of India? किसके पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा सके वो? अच्छा बताओ, ये कहां पर दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे? Where is it given that Supreme Court में there's going to be these many number of judges? Roughly बता सकते हो, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just tell me. Where is it given that Supreme Court mein you need to have like this number of judges? It's given in the Constitution. Basically, dekha jaye to it's given in the Constitution. To Constitution ko amend karne ka right kiske paas hai? Who can amend the Constitution? Agar isme change lana hai to only the Parliament can do that. Hai na, sirf aur sirf Parliament kar sakta hai to. Which schedule of the Indian Constitution talks about the forms of oaths and affirmations of ministers, legislatures and judges? आप वो शपथ लेते हो ना कि भाई मैं देश की कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखूंगा और मैं अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगा एंड ऑल ऑफ दैट. वो वाली जो पूरी स्पीच है वो कहाँ दे रखी है? So the entire thing is governed in Schedule 3. ठीक है, वो शेड्यूल 3 में, इन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 3 में दे रखी है. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रिट स्ट्रक्चर मतलब रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो रिट पिटीशन हम करते हैं ना इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा. कौन से केस में ये डिसाइड किया गया था? सो देयर वाज दिस केस कॉल्ड द, ये लिख लेना ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड द चंद्रकुमार केस. ठीक है, चंद्रकुमार केस में ये पर्टिकुलरली बात बोली थी कि भाई रिट ज्यूरिसडिक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट. वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है. चलो एक बार अब ट्राई करते हैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई देम आउट. Which of the following defines depreciation? Depreciation का क्या मतलब होता है? I think ये तो commerce वाले को तो 100% मिलना चाहिए इसमें. आप लोगों ने तो अगर गलती कर दी तो वो क्राइम है, और बाकी लोगों को भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब तो समझ में आना ही चाहिए. ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? आप अगर कोई भी गाड़ी लो, कुछ भी मशीनरी लो, तो एक बार के बाद में उसका वेयर एंड टेयर होने लग जाता है ना, तो वो डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको. क्या आपने मान लो कोई 8 लाख रुपए की गाड़ी ली, अब वो बोल रहे हैं कि इसका हर साल ना 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसका मतलब इसका हर साल 80,000 वैल्यू कम हो जाएगी. एवरी ईयर इट विल लूज इट्स वैल्यू 80,000. वो अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, कॉमर्स में बताओ बच्चों को कि कई बार एक्चुअल वैल्यू पे लगता है, कई बार कम हुई वैल्यू पे लगता है. स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ऑल ऑफ दैट करेक्ट. रबर बोर्ड इन इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? रबर बोर्ड हमारा, उसके हेडक्वार्टर्स किधर है?
So Rubber Board in India is headquartered in Kottayam. Ticket is headquartered in Kottayam. Kottayam is in Kerala. Operation Flood is basically the white revolution, was started by the Dairy Development Board in which of the following years? White Revolution कौन से साल में इंडिया में स्टार्ट करा गया था? और द ऑपरेशन फ्लड, सो ऑपरेशन फ्लड वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1970. ठीक है, ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड बाय द डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970. इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो तो क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन पर क्या इंपैक्ट होगा उसका? अगर आरबीआई अपना कैश रिजर्व रेशियो को खत्म कर देता है तो उसका क्रेडिट पर क्या असर होगा? क्रेडिट मतलब उधार पर, लोन्स पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा लोन देना, ज्यादा हो जाएगा लोन देना. व्हाट विल बी द इंपैक्ट? क्रेडिट रिजर्व रेशियो क्या होता है? व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो, कि इतना पैसा जिसका आप लोन नहीं दे सकते, ये वही पैसा है ना जिसको आप यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू कीप इट एज बैलेंस. सारे बैंक को बोला जाता है कि भाई आपको कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा. तो आज अगर बैंक के पास मान लो 1,000 रुपए हैं एज डिपॉजिट्स, और बैंक को बोला गया है कि आपको 10% रखना पड़ेगा हमेशा सीआरआर, तो बैंक को 100 रुपए हमेशा सीआरआर रखने पड़ेंगे. तो बैंक के पास लोन के देने के लिए मनी 900 रुपए ही रहा, है ना. 900 रुपीज का ही वो लोन दे सकती है अलग अलग लोगों को, मतलब टोटल मिला के 900. अब मान लो इसका रेट कम कर दिया, 100 रुपए से बोला कि भाई आप 80 रुपए रखो, 8% रखो, तो बैंक के पास 920 रुपीज हो जाएंगे ना लोन देने के लिए. सो देर क्रेडिट का जो उनका जो पार्ट है दैट विल इंक्रीज, राइट, अगर सीआरआर कम हो गया तो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंस टू? तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो किन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज या फार्म्स के लिए बना है? तो जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है पर्टिकुलरली उनके लिए बना है. इट्स मेड फॉर द मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. द फर्स्ट चकबंदी ऑफ लैंड वॉज इंप्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? व्हाट इज चकबंदी बाय द वे? एनीबडी हु हैज डन दिस, हिस्ट्री में भी आ जाता है ये तो. एनीबडी? तो चकबंदी किसी को पता है क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली चकबंदी? तो चकबंदी में जनरली क्या होता है कि आप ना बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो कि कौन सा एरिया एग्रीकल्चरल एरिया रहेगा. लैंड में आप बाउंड्री ड्रॉ करते हो. तो इंडिया में वो प्रोसेस 1920 में शुरू हुआ था कि कौन सा एरिया इरिगेशन लैंड है, यहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हो, है ना, और कुछ नहीं कर सकते. तो वो बड़ौदा में पहली बार हुआ था, गुजरात में, इन 1920. नेशनल इनकम इज कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? नेशनल इनकम कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हर साल कंपाइल करता है इंडिया में? सो द नेशनल इनकम इज कंपाइल्ड बाय द CSO. इट इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये किया था हमने. नेशनल इनकम इज कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ऑप्ट टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट? कौन से सिचुएशन में रिजर्व बैंक अपनी, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
ओपन मार्केट में बेचना शुरू करता है। तो वो सिचुएशन होती है, इसके लिए काफी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू गाइस टू आंसर दिस करेक्टली। दिस इज व्हेन बहुत सारा फॉरेन फंड का इनफ्लो जाता है इंडियन इकोनॉमी में, बहुत फॉरेन फंड आता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना शुरू करते हैं फिर हम लोग, ताकि वो पहुंच सके हम तक। ठीक है, इस टाइप की प्रेप कहाँ से करें? तो यही तो कर रहे हैं, अभी और क्या कर रहे हैं? क्लास में क्लास से करो भाई, है ना, बाकी लूसेंट्स पढ़ो। ये क्लास पे प्रिपरेशन ही चल रही है अभी, यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लीडर बोर्ड वाले को कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, और जो नहीं आएंगे उनको भी डांटूंगा नहीं। इट्स ओके, आरबीआई रिविजन ऑफ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बाय 10 बेसिस पॉइंट इंप्लाइज व्हाट? अगर कोई चीज 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है या घटी है तो उसका क्या मतलब होता है? कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी, क्या मतलब होगा उसका? कितनी बढ़ गई? सो 10 बेसिस पॉइंट से अगर कुछ बढ़ता है, सो दैट इज 0.10% और 0.1%। ठीक है, इट्स 0.1%। तो ऐसे अगर 10 बेसिस पॉइंट इज 0.1% और पूरा 1% होता है अगर 100 बेसिस पॉइंट से बढ़े तो। ये याद रखना, ये चीजें ना बहुत आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे अभी, यू विल रीड अ लॉट ऑफ दिस इन न्यूज़पेपर्स, बिकॉज जब हिंदू के आर्टिकल्स और द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो हमेशा वो बेसिस पॉइंट्स वर्ड यूज करते हैं, परसेंटेज यूज नहीं करते। आप कुछ नॉर्मल न्यूज भी देखोगे तो वो बेसिस पॉइंट यूज करते हैं, एक वो इकोनॉमिक टर्म है जो एवरीबडी यूजेस। ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्या ऑप्शन किया जाता है? आई थिंक कॉमर्स स्टूडेंट शुड अगेन नो दिस, तो आपके बिल्कुल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना। वॉट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑप्शनड इन दी ओपन मार्केट ऑपरेशन? तो इट इज दी सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज होती हैं वो उसमें ट्रेड की जाती है। लास्ट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग इयर दी फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ अ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस? पहला कमर्शियल नेशनलाइजेशन कब हुआ था इंडिया में? बहुत फेमस है ये केस भी। ठीक है, तो पहली बार उस टाइम पर 1969 में इंडिया में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, बड़े बड़े बैंक्स थे। ठीक है, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, तो काफी उस पर केसेस भी हुए थे, बहुत केसेस हुए थे इस पर। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था उस टाइम, राइट। डू गाइज लाइक ज्योग्राफी? ज्योग्राफी पसंद है आप लोगों को? चलो ट्राई, लेट्स ट्राई दैट आउट नाउ, है ना, ट्राई करते हैं, पसंद हो या ना हो, पढ़ाई तो पढ़ाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म्स मीन अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स? बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, हम बोलते हैं ना ये वाले स्टेट्स इंडियन पेनिनसुला में फॉल करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? What do you mean by that? Right. So it is the peninsula. A body of land surrounded by water on three sides. तो जो इंडिया के जो southern side के जो वो कुछ से states हैं, तो वहां पर आप कई बार देखोगे ना कि जो इंडियन पेनिनसुला, जो इंडिया का पूरा है, जैसे मान लो इंडिया का जो नीचे वाला मतलब गुजरात से ले लो, ठीक है, ये वाला जो साइड है पूरा जो ऐसे जाता है ना, तो इसमें इस साइड पे अरेबियन सी है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, राइट। तो इट इज द इंडियन पेनिनसुला। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज विच लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड? कौन सा पास है वो?
मनाली और लेह को रोड से कनेक्ट करता है. सो इट्स कॉल्ड रोहतास और द रोहतांग पास. ठीक है, रोहतास और द रोहतांग पास इज द पास जो पीर पंजाल वैली के थ्रू मनाली और लेह को रोड से कनेक्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एट द जंक्शन ऑफ हाईवेज नोन एज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स. तो आपको ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा आई एम श्योर, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की ऐसे सड़कें बनी हुई हैं और नॉर्थ साउथ की सड़कें बनी हुई हैं. ये दोनों कॉरिडोर कहां पर कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे से, कहीं पे तो आके मिलना पड़ेगा. अगर आपकी पूरी कंट्री है तो आपने ऐसी सड़कें बना रखी है और ऐसी सड़कें बना रखी है तो कहीं तो मिल रहा है ना वो आके, तो वो कहां मिल रहा है? तो इट मीट्स इन झांसी. झांसी में वो मिलता है. देखो दिल्ली और हैदराबाद में तो नहीं मिल सकता ना, दिल्ली और हैदराबाद तो एकदम नॉर्थ में एकदम साउथ में है, तो वहां तो नहीं मिल सकता. तो इट कैन ईदर बी नागपुर और झांसी, राइट? तो झांसी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following water bodies is the home of Lakshadweep Islands? ये तो आसान क्वेश्चन है. Lakshadweep Islands कौन सी वाटर बॉडी में है? Lakshadweep Island, Lakshadweep Islands है बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन अरेबियन सी, मैं भी कंफ्यूज हो गया एक बार. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार, है ना? आपने पता है ऐसे ये सब चीजें ना अपने रूम में लगाया करो. इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप सबके रूम में होना चाहिए, या फिर एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप आपके रूम में लगा हुआ होना चाहिए. अगर आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो भी कभी हम घूमते घामते उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें पता रहता है कि कौन सा जगह कहां पर है, कौन सा स्टेट कहां पर है. तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस दीज दी सर्टेन बेसिक थिंग्स ना. हमें अगर कोई बोले भी आज की तुम्हें फॉर एग्जांपल यूपी की कुछ आप डिस्कशन करें, मान लो उत्तर प्रदेश का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या एरियाज हैं, है ना, वहां का. नहीं लगाने देते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, मतलब कहीं कुछ कहीं तो लगाने देंगे, कहीं तो घर पे ऐसा होगा कंट्रोल होगा अलमीरा पे कहीं पे. साउथ वेस्ट मानसून में कंसिडर दिस एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो ये ना इनमें सेकंड वाला इज इनकरेक्ट, ऐसा ही कॉफी फ्लावर्स वाला नहीं होता है, ठीक है. और जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये तमिलनाडु में नहीं आता है, ठीक है. साउथ वेस्ट मॉनसून वो केरला से शुरू होता है, वो ऐसे ऊपर आता है. फिर ये थोड़ा आसान मतलब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है एक्चुअली. इंडिया का जो व्हाट विच आर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब आपने लाइन्स देखी होगी ना, इसलिए मैं बोलता हूँ एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए हमारे पास और एक इंडिया का मैप होना चाहिए. ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं फिर. ठीक है, सो इट इज 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कॉल्ड वूलर लेक कौन से स्टेट में? एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कॉल्ड द वूलर लेक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? States or Union Territory. So it is in Jammu Kashmir. ठीक है, जम्मू कश्मीर. मजुली, इसके बारे में भी रिसेंटली काफी डिस्कस किया हमने कि हमारा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजुली आइलैंड. किधर है? In which of the following states is it located? The मजुली आइलैंड.
So Majuli Island is located in the state of Assam. Okay, Assam mein Majuli Island. Which of the following countries is the India's neighbor, in India's neighborhood is agreed that Indians staying in the border area will be allowed up to visit of 16 kilometers inside the boundary without obtaining a visa permit. बिना वीजा परमिट के 16 किलोमीटर तक आप इस पर्टिकुलर कंट्री में जा सकते हो, अगर आप जो लोग बाउंड्री पे रह रहे हैं वो सब लोग नहीं, जो लोग उस एरिया में रहते हैं. सो वी कैन डू दिस विद म्यांमार. तो पीपल हु आर स्टेइंग इन ऑल द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, दे कैन विजिट म्यांमार एंड गो अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द बॉर्डर. 16 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं. Pondicherry territory is scattered in several states. Which of the following states does not share boundary with Pondicherry? तो ये बड़ी ना बहुत ही अजीब बात है, मैं भी आपको बताऊंगा क्यों. Which of the following states does not share boundary with Pondicherry? आपको पता है इफ यू वांट टू गो टू पांडिचेरी तो आपको पहले कहां जाना पड़ेगा, कोई गया कभी पांडिचेरी? वेयर यू हैव टू लैंड इफ यू वांट टू गो टू पांडिचेरी, यू हैव टू गो टू चेन्नई फर्स्ट, ठीक है? बट पांडिचेरी डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, सॉरी, डज नॉट शेयर बाउंड्री विद तमिलनाडु. अंडमान, अंडमान जाके पांडिचेरी जाओगे? अगर आपके पास प्राइवेट जेट है तो आप कर सकते हो, otherwise not a very good idea. Which one of the following is not a major export item from India to China? इनमें से तीन काफी majorly India भेजता है China को, China को. One of them is not a major export item that goes from India to China. ठीक है, तो इट इज दी मशीनरी दैट डज नॉट गो. मशीनरी तो चाइना खुद ही बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो. सो दिस इज आवर लीडर बोर्ड. वी हैव गौरांश, स्नेहा, नम्रता, अनुप्रिया, महक, सानिया, जाइना, दिव्या, प्रीतम एंड तावजी. दिस इज आवर फाइनल लीडर बोर्ड. आई शो इट अगेन. ठीक है, ये हमारा आज का फाइनल लीडर बोर्ड है. वेल डन गाइज. और नोट कर लियो होमबुक, आई एम होपिंग काफी सारे आपने क्वेश्चन. ठीक है, आई विल टेक योर कॉल. आई थिंक समबडी वाज कॉलिंग अस. Kindly recommend book to book yaar, Lucent GK is a very good book. Theek hai, Lucent GK is like a one source solution for static GK for CLAT. Aryant is also fine. Matlab maine Aryant zyada padhi nahi hai, maine personally Lucent GK padhi hai, to I like that book zyada more. Nahi, ye padh lo, static ke liye kafi hai. Hello. Hi, good afternoon. Sir, हमने ना पढ़ी iconic subscription लिया है. ये सब कुछ हमने पढ़ाने के लिए अजीब से लग रहा है. कल ही लिया है आपने? Yes sir. अरे तो ये सब तो किसी ने भी नहीं पढ़ा actually. तो ये पढ़ाई हो रही थी अभी क्लास में. ये आपको मैं जज नहीं कर रहा था. ये क्लास में what we do is when we do the quizzes, most of the people do not get the answers in the first time. बट अगर जो भी मैंने आपसे आज सवाल पूछे, अगर आपको अगली बार भी नहीं आएंगे उनके आंसर, देन यू हैव अ रीजन टू वरी. अगर पहली बार भी नहीं आ रहे, नो नो प्रॉब्लम. इसीलिए हम क्लास कर रहे हैं. सर, क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू से मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर होगा. तो कॉन्सेप्ट आप मतलब एमसीक्यूज ही आएंगे ना आपको अल्टीमेटली एग्जाम में. तो वी विल हैव टू डू अ मिक्स ऑफ बोथ. वी जस्ट कांट डू सिर्फ एमसीक्यू, वी जस्ट कांट डू सिर्फ कॉन्सेप्ट्स. So we'll have to do like a mix of both. क्योंकि एग्जाम में तो ultimately वही questions आएंगे. Okay sir, thank you sir. How many pages should we cover? ये तो आप खुद से decision लो. उसके number of pages देख लो और उसके बाद में ये decide कर लो कि आपको कितने time तक cover करना है. From where can we practice analytical reasoning? यार you can, अगर practice करना है तो अपने academy के sectional test से कर सकते हो. मेरा कोई course नहीं analytical reasoning पे. There is this good book called M.K. Pandey. R.S. Agarwal ki bhi aati hai. M.K. Pandey is also a very good book. So, aap khud se aa jayega isse. Okay? So, bye guys. Thank you.
मेरा कोई कोर्स नहीं है यार, आई डोंट हैव अ कोर्स इन एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, मैंने नहीं लिया कोई भी कोर्स।